राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट को कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इश्यूज जनरल रीडिंग के गाइडेंस से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस भी मेंटर पर ट्रस्ट करते हैं उनसे ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपने हॉरोस्कोप यानी कुंडली एनालिसिस कराना चाहें या फिर अपने ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो उसके लिए भी स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीनों ही फैसिलिटीज चार्जेबल हैं। आपको नीड है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीड हो और ट्रस्ट हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डेक शफल करके रखती हूँ। तीनों ही डेक मैंने शफल कर लिए थे। आपके पर्सन के लिए कार्ड ले रही हूँ। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको याद कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिले। तो आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए 10 ऑफ वैंड्स एंड द मून। नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ये रीडिंग करते हुए ही मैं ये सोच रही थी कि मुझे इतनी जोर से नींद क्यों आ रही है, मैं ये सोच रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए मुझे नींद आ रही है, लेकिन एनर्जी में जो कार्ड आए हैं उनको देख के मुझे समझ आया कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। चलिए मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे समझ आ गया कि ये नींद नहीं है, ये मेरी नींद नहीं है, ये आपके पर्सन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ये मुझे हैवीनेस फील हो रही है और ऐसा लग रहा है कुछ ना करूँ मैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, द मून, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, कोई कार्ड पॉजिटिव नहीं, कोई कार्ड पॉजिटिव नहीं, सारे कार्ड नेगेटिव। किस पेन से गुजर रहे हैं वो, किस पेन से। ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रीडिंग बंद कर दूँ, सो जाऊँ, ऐसा लग रहा है मुझे। इस तरीके की एनर्जी है, ज़रा सोचिए। जब मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है तो आपके तो ये पर्सन है, आपको कैसी पिक हो रही होगी। अगर आप डेस्टाइन, आपका कनेक्शन है, ट्रू लवर्स हैं, यानी आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, पास्ट लाइफ आप कनेक्शन फील करते हैं, तो ज़रूर आपकी भी हालत बहुत ख़राब होगी क्योंकि आपके पर्सन बहुत बहुत बुरी दशा में। ये दशा उनकी थर्ड पार्टी ने बनाई है, आपको छोड़ के किसी और के साथ गए थे ना, ये हालत की उन्होंने। अब अगर आप इस बात पे खुश होते हैं कि चलो सही हुआ, अच्छा हुआ, कर्म मिला, तो ये आपकी प्यार की वफादारी नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो स्पेशली अगर आपके पर्सन को उनके कर्मों का फल मिल रहा है तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि इस वक्त में उन्हें संभालें। माता कैकेयी ने लीलावश, भगवान राम की ही लीला थी कि माता कैकेयी के द्वारा उन्हें वन भेजा जाना था, तो फिर जो माँ जानकी की माँ थी वो आई थी जब अयोध्या में, तो उन्होंने अपनी दूसरी बेटियों से यही कहा था कि सबसे ज़्यादा ध्यान माता कैकेयी का रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि वो संताप की अग्नि में जल रही हैं। ये बात मैंने यहाँ क्यों याद दिलाई, इसलिए याद दिलाई, आपके पर्सन पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उन्हें हीलिंग दें। ऑलरेडी वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, आप सोच रहे चलो अच्छा हुआ, कर्मों का फल भुगता, तो फिर वो सोल कहाँ जाएगी? फिर आपका ही काउंट, आधा भाग कहाँ जाएगा? जो आप जैसी सोल है, जो आपकी ही सोल है, आपका ही दूसरा रूप है, वो इस दशा में होगा। आप फील करके देखिए कि आपकी हाफ बॉडी में आग लगी और हाफ बॉडी सुकून में कैसे रह सकती है। उनको इस दिशा में देख के अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ, तो ये आपकी वफादारी नहीं होगी। आपको ईश्वर से प्रे करना है कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन को इस एनर्जी से निकालिए। अभी इसी समय मैं डिस्क्रिप्शन में भगवान नरसिंह का मारक मंत्र दे के रखती हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मजबूरन मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, मजबूरन मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है, मैं नॉर्मली नहीं ये बात बोलती हूँ। आपको भगवान नरसिंह के मारक मंत्र मैंने दिया हुआ है, ओम उग्रम विष्णु ऐसे करके मंत्र है वो। उस मंत्र का जाप करना है कि मेरे पर्सन को जो भी एनर्जी परेशान कर रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, किसी कोई और एनर्जी हो, उस एनर्जी को हे भगवान नरसिंह अभी ख़त्म कर दीजिए। फील कीजिए, ये इमेजिन कीजिए कि आप, आपके पर्सन प्रहलाद हो और भगवान नरसिंह ने हृदय कश्यप का वध करके आपको आपके पर्सन को अपनी गोद में बैठाया हुआ है।
ये इमेजिन करते हुए उस मंत्र का जाप कीजिए। अभी इसी समय आपको करना होगा। आपके पर्सन की सारी एनर्जी, बहुत बुरी दशा है उनकी, बहुत बुरी, इतना दर्द, इतना दर्द, इतना बोझ, चारों तरफ से यानी चौतरफा वार हो रहा है उन पर, उन पर डैमनिंग अटैक, साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक, रिचुअल्स टोने टोट के सब हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। उम्मीद खो चुके हैं वो आपको पाने की। ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा ये उम्मीद आपके पर्सन खो चुके हैं। कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता वो ये सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं मुझे अभी इंट्यूशन ही आया, हो सकता है वो ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी ही छोड़ दी जाए, इस दुनिया से ही मूव ऑन कर लिया जाए। दुनिया से मूव ऑन करने की बात तक वो सोच सकते हैं। सोचिए ज़रा क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे। किसी दुश्मन के लिए भी ऐसा नहीं सोचा जा सकता, आप तो अपने पर्सन के लिए वीडियो देख रहे हो। भगवान नरसिंह के मंत्र का जाप अभी इसी समय अपने पर्सन को बचाने के लिए कीजिए। उन पर इतने सारे अटैक क्यों हो रहे हैं? इतने सारे अटैक इसलिए होते हैं कि एक प्योर सोल, आपको भले ही अपने पर्सन गलत लगते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, तो आपके पर्सन भी तो फिर ऐसे ही हैं, वो भी तो इतने ही प्योर हैं, भले ही अभी अभी कर नहीं हुए हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जीज ये चाहती हैं कि किसी तरीके से प्योर सोल बॉडी छोड़ दें। एक बार बॉडी छोटी फिर आसानी से नहीं मिलती। सेकेंड ये भी है कि हो सकता है उनको सोल सॉफ्ट मिला हो। दो एनर्जी हैं, या तो नेगेटिविटी का अटैक है किसी भी और के पर्सन में, नेगेटिविटी का अटैक है, किसी को सोल शॉक मिला है। और सोल शॉक इसलिए भी मिलता है कि अवेकनिंग होती है। तो अगर ये सोल शॉक है तो भगवान से प्रे कीजिए कि भगवान आप संभालिए मेरे पर्सन को, इस सोल शॉक में भी संभालिए। आप के लिए किसके लिए क्या है ये आप लोग बेटर समझते होंगे। अगर नेगेटिविटी का अटैक है आपको दोनों चीज़ें करनी है। नरसिंह भगवान का मंत्र का जाप इसलिए करना है, वो किसी से कुछ भी रेजोनेट करे, लेकिन आप लोग दोनों कीजिए। भगवान नरसिंह से प्रे कीजिए कि मेरे पर्सन कि को जो इस जिसने भी ये दुर्दशा की है उस एनर्जी को ख़त्म कर दीजिए और मेरे पर्सन को अपनी शरण में लीजिए, प्रहलाद बना के अपनी गोद में बिठाइए। और अगर सोल शॉक के लिए आपको प्रे करना है कि हे ईश्वर आपको संभालना है, सोल शॉक आप दे रहे हो आपको संभालना है, उनको संभाल लेना, इस तरीके की प्रे आपको आपके वहाँ अपने पर्सन के लिए करनी है। और मुझे कहीं एक एनर्जी मुझे ये भी फील हो रही है कि हो सकता है काफ़ी चांसेस है कि ये सोल शॉक हो, क्योंकि सोल शॉक ईश्वर दिलाते हैं। और इनके बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस, सेवन ऑफ वेंड्स एंड एस ऑफ वेंड्स आए हैं, यानी कम्प्लीटली डिवाइन की एनर्जी आई है। इनको इस दशा में डिवाइन ने भी भेजा है, किसी व्यूअर के पर्सन को डिवाइन ने भेजा है, किसी व्यूअर के पर्सन पे इस तरीके की एनर्जीज हुई हैं, नेगेटिव एनर्जीज हुई हैं। और ये जो कुछ हुआ है वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। जो पर्सन आप दोनों के बीच में आया, जो सिचुएशन जिस वजह से आप दोनों सेपरेट हुए, उसी ने आपके पर्सन की ये दुर्दशा की है। किसी भी रीज़न से, रीज़न में आपको नहीं पढ़ना है कि किस वजह से हुआ, आपका इंटेंशन होना चाहिए अपने पर्सन की हीलिंग। आप अपने पर्सन को हील कीजिए। जब तक आपके पर्सन आपके लेवल की एनर्जी में नहीं आएंगे वो आपसे इन्वाइट नहीं हो सकते। आप हाई लेवल में, कितने भी हाई लेवल में आप बने रहना, आपके पर्सन अगर हाई लेवल की एनर्जी में नहीं आए, उनकी एनर्जी इन्हेंस नहीं हुई, तो आप कितने भी बने रहना नहीं हो पाएंगे आप यूनाइट। इसलिए आपको अपने पर्सन को हील करना ही होगा। आप ईश्वर से प्रे कीजिए, हे ईश्वर मेरे पर्सन को इस एनर्जी से निकालिए, उन्हें पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी दीजिए। अब आप ये मत सोचना कि अगर वो पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी मांगेंगे तो वो फिर से कार्मिकों में मस्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक बार जिससे दर्द मिल जाता है तो प्योर सोल जो होती है, जो समझदार, भगवान ने जो आप जैसी सोल बना के भेजी है, वो एक बार जहाँ से दर्द ढंग से ले लेती हैं ना, फिर हमेशा के लिए लर्निंग ले लेती हैं, उन्हें लर्निंग हमेशा के लिए मिलती है। ये जो ट्विन फ्लेम सोलमेट सोल्स होती हैं, जो डिवोटीज होते हैं, ये एक बार में ही लर्निंग ले लेते हैं, बार बार लूप में नहीं फंसते हैं। तो आपको ये प्रे करना है कि मेरे पर्सन को पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी में दीजिए, संभालिए मेरे पर्सन को, ये प्रे करनी है। और अगर आप ये एनर्जी पिक कर रहे हैं तो ईश्वर से प्रे कीजिए, ईश्वर हम दोनों को इस एनर्जी से निकालिए, हम दोनों को संभालिए। आपके पर्सन बहुत बहुत पेन में, बहुत पेन में हैं, और ये पेन दोनों तरफ से है आपके प्रति। उन्होंने आपको नहीं समझा, उसका भी कर्म उन्हें मिला, थर्ड पार्टी को जितनी वैल्यू दी उसने भी उस सबक सिखा दिया, डैमनिंग अटैक भी मुझे यहाँ फील हो रहे हैं। जो कुछ भी है, ओवरऑल आपके पर्सन बहुत पेन में है, आपको निकालना है, आपको प्रे करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना चाहिए, आप शुरू कीजिए। गाइडेंस यहाँ से नरसिंह भगवान के लिए का मंत्र का मिल गया है, हीलिंग का मिल गया है, आप उन्हें हील कीजिए। जैसे आप कर सकते हैं वैसे आप कीजिए, आपके पर्सन को उस पेन से आपको निकालना है, क्योंकि अगर वो उस पेन से आप नहीं निकालेंगे तो उस पेन में आप भी रहेंगे, वो पेन आप भी पिक करते रहेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना। और अगर आप वो पेन पिक करते रहेंगे तो फिर आप अपनी साधनाएं, अपने पूजा पाठ, अपना इनर वर्क कैसे करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं देखती हूँ इनकी मूनोलॉजी से इनकी क्या फीलिंग है। मूनोलॉजी से इनकी फीलिंग है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, घमंड चूर हो गया है,
कोई ईगो नहीं बचा। पहले ईगो था, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, कर लूँगी, कुछ नहीं बचा। अब इन्हें लगता है कि मेरे मेरे से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकता मैं। ब्रिंग लव इन टू सिचुएशन, ब्रिंग लव इन टू सिचुएशन। अब ये चाहते हैं मदद, चाहते हैं कोई ऐसा पर्सन मिले जो थोड़ा सा हील कर दे। ये हीलिंग चाहते हैं, या आपसे भी हीलिंग चाहते हैं। इन्हें ये तलाश करें कोई ऐसा पर्सन हो जो ऐसी सिचुएशन में, इतना स्ट्रेस चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, थोड़ा तो मरहम लगा दे, थोड़ा तो मरहम लगा दे, कोई तो सुकून वाली बात बोल दे, कोई तो सांत्वना दे दे मुझे। ऐसी कुछ इनकी एनर्जी है कि कोई तो मुझे सांत्वना दे दे, जो कि आपको देनी है। वर्क थ्रू योर फियर, अपने फियर पे इन्हें वर्क करना होगा। ये बहुत डर में है, बहुत फियर में, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज इनको कर दिया गया है। कम्युनिकेशन इज़ कि आपसे बात करना चाहते हैं पर करें कैसे, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया गया है इनको। बहुत कैप्चर्ड हैं ये, इनकी एनर्जी को बहुत बुरी तरीके से कैप्चर किया, छलनी कर दिया गया है एक तरह से। मानिए इनका दिल छलनी कर दिया गया है, तो आपको खुश होने की यहाँ पर कोई वजह नहीं है, आपके लिए खुश होने की कोई वजह नहीं है। आपको अपने पर्सन को इस एनर्जी से निकालना होगा, आपकी जिम्मेदारी आप निकालिए। यहाँ डिवाइन कह रहे हैं, डिवाइन आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि डिवाइन तो उन्हें लर्निंग दे रहे हैं, उन्हें लर्निंग मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश होंगे, उन्हें लर्निंग मिल रही है, ठीक है, लर्निंग मिल रही है। ईश्वर को शुक्रिया बोलिए कि आप ईश्वर मेरे पर्सन को प्यार से निकाल भी लीजिएगा, ये आपको प्रे करनी है। अब मैं देखती हूँ कि इनके और क्या थॉट्स हैं। थॉट्स में ट्रू डिवोशन एंड फेथ, आपके पर्सन को ये समझ आ रहा है कि अब इन अगर ये संभाल सकते हैं तो केवल भगवान संभाल सकते हैं इनको। अब भगवान की ओर जा रहे हैं कि केवल भगवान संभाल पाएंगे, वरना मैं जिस दशा में फंसा हूँ, फंसी हूँ, यहाँ से मुझे भगवान के अलावा कोई नहीं निकाल सकता, ये वो फील कर पा रहा है। पेशेंस, पेशेंस, उन्हें पता है कि अब पेशेंस ही एक रास्ता बचा है, कुछ और कर ही नहीं सकते ना। जब कुछ कर नहीं सकता है तो इंसान पेशेंस ही रखेगा, कुछ कर पाता है इंसान, कुछ एफर्ट डाल पाता तो वो डालता। अब जब कुछ कर ही नहीं सकते तो पेशेंस तो रखना ही है, क्योंकि इन्हें पता है कि अब जो करेंगे ईश्वर करेंगे, इनके बस की बात नहीं है, इन्होंने सरेंडर कर दिया है। ब्लेसिंग्स, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर संभालिए मुझे, संभालिए, अब नहीं होता, अब और नहीं सहा जाता। टफ टाइम, देखिए बॉटम ऑफ द डेक, टफ टाइम। तीनों कार्ड एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं, तीनों डेक से कार्ड से एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं, तो बहुत टफ टाइम चल रहा है आपके पर्सन का। आप में वो स्ट्रेंथ है, आप अपने पर्सन को इस टफ टाइम से निकाल सकते हैं। आप में स्ट्रेंथ है, डिवाइन आपसे कनेक्टेड हैं, और ये रीडिंग, ये वीडियो आपको इसीलिए मिला है। एक तरफ तो आपके पर्सन को डिवाइन लर्निंग दे रहे हैं, उन्हें सबक दे रहे हैं, उन्हें उनका कर्मा पे करा रहे हैं, दूसरी तरफ आपसे कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी अपने पर्सन को दो, संभालो अपने पर्सन को। डिवाइन दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं। आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस दिया है कि अपने पर्सन की हीलिंग करो, उधर उनको लर्निंग दी है। तो जब डिवाइन उनको लर्निंग दे रहे हैं, तो फिर आपको बेवजह उनको उनको ब्लेम करने की ज़रूरत क्या है? बेवजह वो आपका ही दूसरा रूप है, वो आपके पर्सन है, तो आप ही हो वो, इसलिए आप खुश नहीं हो सकते, और मुझे लगता है आप खुश होंगे भी नहीं अगर आप सच में उनसे प्यार करते हैं। तो अपने पर्सन को निकालिए, टफ टाइम से गुजर रहे हैं। ये टफ टाइम में जब तक रहेंगे तब तक आपसे यूनियन कैसे होगा? और ये टफ टाइम फिर आपका भी तो लॉन्ग हो जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा अगर ये इस टफ टाइम से नहीं निकले। तो ये जब निकल जाएंगे, मान लीजिए अपना दोस्त ही, मान लीजिए अपना दोस्त किसी खड्डे में फंस गया है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको निकाल लें? माना कि आज हमारी उससे लड़ाई हुई थी, आज हम उससे बात नहीं कर रहे थे, ये 4 दिन पहले से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो क्या वो 4 दिन की बातें हम भूल जाएंगे? बस वो एक दिन का कॉन्फ्लिक्ट हमें याद रहेगा? ये आपको ध्यान रखना है, आपको अपने पर्सन को इस एनर्जी से निकालना होगा। डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, बजरंग मार भी आप कर सकते हैं, और भगवान नरसिंह का मंत्र मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो आपको बोलना है, ताकि आपके पर्सन पे कोई निगेटिव असर ना करे। जो भी एनर्जी उनको इस दर्द में दे रही है, वो एनर्जी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, इस इंटेंशन से वो पाठ कीजिएगा। 100 and 200% आपके पर्सन इस एनर्जी से ज़रूर 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 निकल जाएंगे, निकालना आपको है। गॉड ब्लेस यू, जय श्री राधे कृष्णा।